एवरीवन, यू आर वाचिंग शॉर्ट टाइम रेसिपीज। आज के इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपके साथ में मावा चाशनी की स्पेशल गुजिया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होली हो या दिवाली हो, गुजिया सभी के घरों में बनाई जाती है। स्पेशली सभी लोग इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मावा चाशनी गुजिया को कैसे बनाना है हमें? मावा चाशनी गुजिया रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम मैदा लिया है। इसके बाद में हमें जो सेकंड चीज लेना है वो है देसी घी। यहाँ पर मैं 50 ग्राम देसी घी ले रही हूँ मोइन के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ नमक ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा। इसका स्वाद एनहांस करने के लिए मैंने 1 पिंच यहाँ पर नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। मोइन चेक करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमने मोइन ठीक डाला है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बाइंड होने लगे तो हमारा मोइन एकदम सही है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसका हम टाइट सा डो तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस डो तैयार करने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। एक कॉटन का क्लॉथ रख दिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड, हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम मावा लिया है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है इस तरीके से, और इसे लगातार चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लें। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मावा यहाँ ठंडा हो चुका है। मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ 50 ग्राम शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। शुगर पाउडर आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जो भी आपको पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश, ये सारी चीज़ें, नारियल, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए। चलिए फ्रेंड, हम अपनी गुजिया के लिए चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कप शुगर ली है और इसके हिसाब से मैंने यहाँ 1/2 कप पानी लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती पूरी तरीके से, और हमें इसे चलाते रहना है। जब हमारी शुगर मेल्ट हो जाती है, थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो उसके बाद में हमें इसको फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, एक बॉयल आ चुका है और हमारी ये जो चाशनी है वो थोड़ी स्टिकी सी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, हमारी चाशनी बन गई है। ये देखिए, डो को हमने रेस्ट पे रखा था, अब ये बिल्कुल तैयार है गुजिया के लिए। अब हम इस डो के अच्छे से पेड़े तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे मीडियम साइज के, इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको पूड़ी के जितने शेप में इसको बेलेंगे। अच्छे से इसे बेलना है, सभी तरफ से बराबर होना चाहिए, कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूड़ी को अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसे मोल्ड पर रखेंगे। मोल्ड से हमारा बहुत टाइम सेव हो जाता है, गुजिया जल्दी बन जाती है। ये हमने स्टफिंग तैयार की है वो हम इसमें भरेंगे और इधर चारों तरफ इसके पानी लगाएंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि खुले ना। अच्छे से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो पार्ट हटा देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है हमारी, और इसे धीरे से निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी गुजिया भी बनाकर बता देते हैं। सारी गुजिया इसी तरीके से बनाएंगे हम। ये मोल्ड आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। इस तरीके से हम इसको भरेंगे। ये देखिए, इसे दबाना अच्छे से है ताकि हमारी गुजिया खुलनी नहीं चाहिए। ये देखिए
कितनी सुंदर बनी है। इस तरीके से हम अपनी सभी गुजिया तैयार कर लेंगे और कॉटन के कपड़े से ढककर रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, घी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर गुजिया को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे धीरे धीरे से पलट देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी गुजिया सिक चुकी हैं। कितनी अच्छी दिख रही हैं सिकने के बाद में। थोड़ी सी ये गोल्डन हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है इसे हमें। इस तरीके से आप सारी गुजिया सेक लीजिए। और इस तरीके से आप किसी पेपर पर निकाल लीजिए इसे। ये देखिए फ्रेंड, ये चाशनी हमारी तैयार है। इसके बाद हम इनको सारी गुजियाओं को एक एक करके इसमें डालेंगे और 1 से 2 मिनट बाद ही हम इसे निकाल लेंगे। और अगर आप गुजिया को सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट तक या थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक इसमें डले रहने दीजिए, उसके बाद इसको निकालिए। तो ये गुजिया आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। आपको जैसे भी खाना है इसको वैसे बनाकर आप खा सकते हैं फ्रेंड। ये देख लीजिए, ये सारी गुजिया तैयार हैं बनकर। तो ये लीजिए फ्रेंड, मावा चाशनी गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इस दीपावली पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। मिलती हूँ फ्रेंड आपसे अपनी एक और न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।